रिंकी रानी रेसिपी में आप सबका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बरसात में खाने के लिए मिक्स वेज पकोड़े, जो क्रिस्पी भी हैं और टेस्टी भी। मिक्स वेज पकोड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ लिए हैं। मीडियम साइज के दो प्याज, धनिया पत्ता, दो गाजर ग्रेट किया हुआ, लहसुन और मिर्चा, और दो मीडियम साइज का आलू यहाँ पर ग्रेट करके लिए हैं। और पानी में अच्छे से धो करके इसे हम रख लिए हैं। और पानी में भिगो करके नहीं रखेंगे तो काले पड़ जाएंगे। और इसे पानी से अच्छे से हमको आलू को निचोड़ लेना है, इस तरह से हाथ से प्रेस करके। ये देखिए, इस तरह से हम प्रेस करके एक बाउल में इन सारे आलू को निचोड़ के साइड कर लेंगे। और उसमें ऐड करेंगे यहाँ पर प्याज स्लाइस में कटा हुआ, और यहाँ पर ग्रेट किया हुआ गाजर है, मीडियम साइज का गाजर लिए हैं दो, और इसे भी ग्रेट कर लिए हैं। पाँच छः लहसुन की कर लिए हैं बारीक कटी हुई, तीन चार हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, आप टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और कुछ फ्रेश धनिया के पत्ते यहाँ पर लिए हैं। एक कप बेसन, आप चाहें तो और भी सब्जियाँ जो आप अपने पसंद करते हो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने चावल का आटा लिया है, यहाँ पर तीन चम्मच चावल का आटा इसमें डालेंगे, इससे पकौड़े बहुत क्रिस्पी होंगे। और जाएंगे अब थोड़े से मसाले इसमें, आप चाहें तो यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, मैंने हल्दी पाउडर यहाँ यूज नहीं किया है। यहाँ डाला है धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, अदरक का पाउडर 1/4 चम्मच, और यहाँ पर एक चम्मच अमचूर का पाउडर यहाँ पर लिए हैं, और एक चम्मच अजवाइन, ये डाइजेस्ट करने में बहुत सहायता करता है, इसे क्रश करके हाथ से डालेंगे, और स्वादानुसार नमक। इन सभी चीज़ों को सूखा ही हमको अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से आप चाहें तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथ से मैश करके मिक्स करने में अच्छा रहेगा। इस तरह से हाथ से हम जो है मैश करते हुए मिक्स करेंगे तो ये पानी और प्याज जो मॉइस्चर छोड़ेगा, इससे बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। इसमें पानी या तेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे इसमें नमक अपना काम करेगा, आलू और प्याज मॉइस्चर छोड़ता जाएगा। ये देखिए, एकदम से अच्छे से मिक्स हो गया। आप चाहें तो ये तुरंत तल सकते हैं। अभी हम इसे ढक के रख देंगे और इसके साथ खाने के लिए एक चटनी बनाएंगे। धनिया, मिर्चा, लहसुन, भुना हुआ जीरा पाउडर, सेंधा नमक, काला नमक और दही, यहाँ इन सब चीज़ों को लिए हैं, और इन सब चीज़ों को एक चटनी के जार में डालेंगे। यहाँ पर एक कप धनिया पत्ता, और साथ में यहाँ पर जाएगा हरी मिर्च है, दो तीन आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हैं, पाँच छः लहसुन की कलियाँ, और साथ में जाएगा यहाँ पर ये भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक आधा चम्मच, यहाँ पर मैंने सेंधा नमक लिया है, आप चाहें तो सादा नमक भी यूज कर सकते हैं, आधा चम्मच सेंधा नमक, और यहाँ पर दो बड़ा चम्मच दही, खट्टा दही है घर का जमा हुआ। इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम चटनी बनाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ इसे पीस लिया है, और देखिए कितना अच्छा चटनी का कलर आया है। चटनी बहुत ही टेस्टी बनी है, और इस तरह की चटनी बनाने से दही में ये कभी काली नहीं पड़ सकती। आप चाहें तो 8-10 दिन तक इसे फ्रिज में रख के खा सकते हैं। तेल मैंने गर्म कर लिया है, और इसे जो है पकौड़ों को जो है इस तरह से हम छोटे छोटे टुकड़ों में कढ़ाई में छोड़ेंगे। तेल हमारा एकदम गर्म हो चुका है, देखिए इस तरह से हम जो है हाथ से पकौड़ों को डालेंगे। सावधानी से थोड़ा डालना है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप चाहें तो इसे चम्मच से भी छोड़ सकते हैं, और एक छनौटा से या स्पैचुला से इस तरह से ऊपर तेल डालते हुए इसे पकौड़ों को हमको पलटना है। नीचे से पकौड़े हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, ये देखिए, और इसे दूसरी साइड भी तलने के लिए हमको पलट देना है। इस तरह से एकदम लो फ्लेम पर हमको पकौड़ों को तलना है, तेज़ नहीं करना है आज। ये देखिए, एकदम हमारे पकौड़े तल के तैयार हो रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। हमारे पकौड़े देखिए लाइट ब्राउन हो गए हैं, और इसे हम जो है एक स्ट्रेनर में निकालेंगे। स्ट्रेनर पर निकालने से पकौड़े ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहते हैं, ठंडे होने के बाद भी क्रिस्पी ही रहते हैं। और इस तरह से हम जो है सारे पकौड़ों को एक स्ट्रेनर में इस तरह से निकाल लेंगे, अच्छे से तेल को निकाल देंगे, और एक प्लेट में रख लेंगे इसको। और फिर सेकेंड शिफ्ट बनाने के लिए भी हम जो है इस तरह से छोटे छोटे पकौड़ों को कढ़ाई के तेल में छोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से मैंने सेकेंड शिफ्ट के भी पकौड़ों को डाल लिया है कढ़ाई में, और इसे भी पलट लिया है। ये हमारे पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं,
और बचे हुए डो को मैं रख दूंगी, जिसे बाद में हम गरम गरम जो खाने के लिए तैयार हों गरम गरम बना के सर्व कर सकें। अभी मैंने इतने ही पकौड़े बनाए हैं। देखिए मैंने फटाफट कितने सारे पकौड़े बना लिए हैं। ये देखने में जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, खाने में उतने ही टेस्टी हैं। देखिए मैंने इतने सारे पकौड़े बना लिए हैं, और इस तरह से जो है बरसाती मौसम में फटाफट भेज पकौड़े बना करके हम इंजॉय कर सकते हैं। बरसात में पकौड़े खाने का मन बहुत करता है और हम बाहर जा नहीं सकते हैं, घर में इस तरह से क्रिस्पी पकौड़े बना करके हम घर में इंजॉय कर सकते हैं। देखिए देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं, खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी भी हैं। और इस तरह से एक प्लेट में चटनी के साथ हम इन पकौड़ों को सर्व कर लेंगे। आप अगर हरा मिर्च खाने के शौकीन हैं तो उसे भी आप स्ट्रेनर में इस हरी मिर्च को छान सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्च को भी साथ में छान लिया है, जिससे पकौड़ों के साथ हरी मिर्च को खाया जा सके। ये देखिए हमारे पकौड़े बन के तैयार हैं, और आप भी इस तरह से बनाएं और इन्जॉय करें।